वेलकम बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विचिंग मेथड्स। ठीक है, ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है तो समझते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्विचिंग मेथड्स। नंबर वन इज सर्किट स्विचिंग, नंबर टू इज पैकेट स्विचिंग एंड नंबर थ्री इज मैसेज स्विचिंग। हमें इन तीनों के बारे में ही डिटेल में समझना है क्या होता है। तो व्हाट इज सर्किट स्विचिंग, अगर सर्किट स्विचिंग की बात करें, इन टेलीफोन सिस्टम सर्किट स्विचिंग इज़ यूज्ड। यानी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो आप, जो टेलीफोनिक सिस्टम है पूरा टेलीफोन पे कम्युनिकेशन का, वो पूरा सर्किट स्विचिंग पर बेस्ड है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक सर्किट यानी कि एक पाथ एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। मान लीजिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो इन दोनों के बीच में पहले एक कॉमन चैनल डिसाइड किया जाता है, एक पाथ डिसाइड किया जाता है, और पहले हम लोग इसको कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद ही सेंडर साइड से डेटा सेंड होना शुरू होता है। जैसे अगर आप कभी कॉल करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉल कनेक्ट होने से पहले ही आपका मैसेज सेंड होने लग जाएगा। एक बार पहले कॉल कनेक्ट होगा, उसके बाद आप जो बोलोगे वो मैसेज रिसीव होगा सामने वाले के पास। यानी सेंडर के पास मैसेज जाने से पहले ये ज़रूरी है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। तो सर्किट स्विचिंग बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। सर्किट स्विचिंग के बारे में अगर आएगा लिखने के लिए, तो आप ये बातें बता सकते हो कि एंड टू एंड कनेक्शन को इसमें एस्टैब्लिश किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, रियल टाइम ट्रांसमिशन हमें वॉइस का मिलता है इस नेटवर्क के ऊपर। और क्या बता सकते हैं इसके अंदर, आप ये बता सकते हो कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, इसके अंदर पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद ही एक्चुअल ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र ऑफ डेटा अकर होता है। इससे पहले कभी भी यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा नहीं होता विदाउट कनेक्शन। एक बार कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही होगा। तो अगर कभी पूछ लिया जाए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस, तो आप एडवांटेजेस में क्या बताओगे, ये बताना कि हमारे पास क्या है, क्योंकि ये चैनल जो है सिर्फ दो ही पार्टीज़ में इन्वॉल्व है। मैंने मान लो ए ने बी को कॉल किया, तो ए और बी के अलावा इस चैनल पर कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये चैनल सिर्फ दो ही पार्टीज़ के लिए पूरे तरीके से डिवाइडेड होगा, यही दो पार्टीज़ चैनल को पूरे तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कभी भी डेटा लॉस नहीं हो रहा है हमारा, कोई भी ऐसा चोरी नहीं कर सकता थर्ड पार्टी घुस करके। तो ये सारी सिक्योरिटी रीजंस आप बता सकते हो। डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में बहुत टाइम लगता है। और मान लो एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, तो क्योंकि ये डेडिकेटेड कनेक्शन है और तुम कॉल कट कर ही नहीं रहे, लेकिन तुम बात भी नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पर इस चैनल को कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, जबकि ये आइडियल है, इसको कोई यूज़ कर भी नहीं रहे। जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और हम दोनों बात कर रहे थे, और फिर बिना कट किए हम दोनों ने फ़ोन रख दिया, तो वो कनेक्शन ऑक्यूपाइड है, मतलब कि वो जो चैनल था वो चैनल फ्री नहीं हुआ, वो चैनल ऑक्यूपाइड रहेगा हम दोनों के लिए। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो आई गेस समझ में आया होगा सर्किट स्विचिंग के बारे में। ठीक, लिख पाओगे आप लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, पूरा टेलीफोनिक सिस्टम को एक्सप्लेन कर देना है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि मैसेज को हम लोग ब्रोक करते हैं, यानी मैसेज आर ब्रोकन इन टू पैकेट्स, ईच ऑफ विच इंक्लूड हेडर विथ सोर्स डेस्टिनेशन एंड इंटरमीडिएट नोड एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो मतलब क्या हुआ कि आपका ये मान लो एक मैसेज था पूरा, आप इसको सेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हो, एक यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, और इसको ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स में बांट दिया कि यहाँ पर आपको एक अलग सेगमेंट मिला, यहाँ एक अलग सेगमेंट मिला, यहाँ एक अलग सेगमेंट मिला, ऐसे आपको मल्टीपल सेगमेंट्स मिल गए, यानी मल्टीपल पैकेट्स मिल गए। एक बार आपको पैकेट मिलना शुरू हो गया, मान लो आपको ये पहला पैकेट मिल गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पैकेट के साथ ना एक हेडर अटैच कर दोगे, यहाँ पर हेडर सबके साथ, सबके पास अपना अपना एक हेडर होगा। अब ये हेडर क्या करेगा, ये ना एड्रेस लोकेट करेगा, इन सबके पास क्या क्या लिखा होगा कि ये कहाँ से आए हैं, सोर्स एड्रेस क्या था और कहाँ को जाना है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है। सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये दोनों चीज़ें इन दोनों के पास ही लिखी होंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या एड्रेस होगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट नोड के थ्रू अगर ये लोग जा रहे हैं तो उसका एड्रेस भी होगा। अगर आपसे टोपोलॉजी एक डायग्राम पूछ लिया जाए, तो सर्किट स्विचिंग के लिए क्या डायग्राम बनाओगे, अब बताना है कि हमारे पास बीच में कुछ नेटवर्क है, मान लो यहाँ पर कुछ दो तीन लोग यहाँ बात कर रहे हैं, फिर कोई दूसरा एक और सर्किट है हमारे पास, इससे कोई कनेक्टेड है, फिर एक और सर्किट है जिससे दो लोग मान लो कनेक्टेड हैं, कुछ नाम दे देना इन लोगों को। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर हम लोग ना क्या कह सकते हैं इसे, मान लो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग चल रही है। ठीक, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये ई बनता है, ये डी है, और ये पूरा चीज़ जो है ये हमारा क्लाउड बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सर्किट स्विचिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। पैकेट स्विचिंग का मतलब यही था, जिसमें हमें लो बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इनको भेजना है तो बहुत सारा तो हमें नहीं चाहिए एरिया, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देते हैं, जिसके कारण बैंडविड्थ कम रिक्वायर्ड होता है।
तो प्रॉब्लम कम आती है हमें, समझ में आए। लेकिन एक बात समझिएगा कि जो पैकेट स्विचिंग है ना, वो खुद में तो सिंपल एक कंसेप्ट है। पैकेट स्विचिंग इज़ अचीव्ड बाय टू मेथड्स, या तो हम लोग डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग करते हैं या फिर वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग करते हैं। कौन कौन से हैं? या तो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग है या फिर वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग है। तो अब ये समझते हैं कि ये दो मेथड्स जो हैं हमारे पास पैकेट स्विचिंग के, ये कौन से हैं। तो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होते हैं कि मैसेज को हम लोग डिवाइड करते हैं स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स पे, यानी बहुत सारे पैकेट्स बना लेते हैं। हर एक पैकेट को हम लोग इंडिविजुअली सेपरेटली ट्रीट करते हैं लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट, तभी उसको हम लोग इस तरीके से भेजते हैं। तो बैंडविड्थ कम रिक्वायर्ड होती है हमें, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हेडर ऐड कर देते हैं। उस हेडर के पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, समझ में आया। वर्चुअल के अंदर सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर हम लोग एक लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं बिटवीन द नोड्स, रिसीविंग सर्किट और फिर सेंडिंग सर्किट के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं, यानी एक वर्चुअल सर्किट बना देते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि भाई ए से बी जाने के लिए कुछ रास्ता है, बी से सी के लिए कुछ रास्ता है। तो जो वर्चुअल सर्किट क्रिएट करते हैं ना, यानी एक्चुअल में हम लोग वायर्ड कनेक्शन नहीं बना रहे, वर्चुअली हम लोग बना रहे हैं। तो उस टाइप के हमारे ट्रांसमिशन को वर्चुअल सर्किट ट्रांसमिशन या वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग कहते हैं। ठीक, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बारे में अगर लिखने को आता है स्विचिंग मेथड्स के बारे में, तो आपको ये तीन लिखने हैं, इनको एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, पैकेट स्विचिंग को समझाना कि किस तरीके से पैकेट्स को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं हर एक छोटे जितने भी हमारे पास इसके स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पैकेट्स बने, ये सारे के सारे पैकेट्स इंडिपेंडेंटली ट्रीट किए जाते हैं लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट, इन सबको इंडिपेंडेंट यूनिट के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। इस कारण से इसमें लो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बैंडविड्थ कम चाहिए होगा तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा होगा। पैकेट स्विचिंग करने के दो मेथड्स हैं, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग एंड वर्चुअल पैकेट स्विचिंग। डेटाग्राम के अंदर क्या होता है, हम स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स जब बनाते हैं और वो उन पैकेट्स को भेजते हैं थ्रू अ सर्किट। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है मैसेज स्विचिंग। ठीक है, क्या होता है ये मैसेज स्विचिंग, कोई आइडिया है? चलिए मैं बताता हूँ। मैसेज स्विचिंग का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग टेलीग्राफ कम्युनिकेशन बात करते हैं। ठीक है, अब ये टेलीग्राफ क्या था, कुछ याद करो। टेलीग्राफ के अंदर हम लोग क्या करते थे, TELE टेलीग्राफ, हम लोग इसमें कुछ फैक्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट फाइल है, कुछ भेजना है अपने को। तो यहाँ से क्या हुआ, मान लो सेंडर है ये हमारा सेंडर है। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल सेंड किया, इसने कुछ फाइल भेजी। वो फाइल जो है किसी इंटरमीडिएट नोड के पास जाएगी सबसे पहले, तो ये हमारा इंटरमीडिएट है। इसका क्या काम है, ये इस मैसेज को अपने पास रखेगा पहले थोड़ी देर, देखेगा कि जो चैनल है जिससे ये बात करना चाहता है वो फ्री है कि नहीं। अगर चैनल फ्री हुआ तो वो हमारे रिसीवर तक पहुँचा देगा, अगर चैनल फ्री नहीं हुआ तो अपने पास रख के वेट करेगा चैनल फ्री होने का। इस कारण से इस टाइप के स्विचिंग को हम लोग स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पहले वो मैसेज को स्टोर करता है, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करता है जब उसे चैनल फ्री मिलता है, समझ में। मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। पैकेट स्विचिंग के अंदर ब्रेक कर दे रहे हैं हम लोग मैसेज को मल्टीपल पैकेट्स के अंदर या फिर स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स में। और सर्किट स्विचिंग में टेलीफोनिक सिस्टम था जिसमें हम लोग पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। समझ में आया टॉपिक, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो। तब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक यू सो मच।